वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव, नोट की एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। जी हां, गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव खेला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो की मांग करते हुए कहा, अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने कहा, हम सब देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इस सब की मार आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। इसमें सुधार करने के लिए केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि इसमें बड़ा फैसला लें और एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपवाई जाए। आगे कहा कि जब हम दिवाली के दौरान पूजा कर रहे थे तो मन में भाव आया कि भारतीय करेंसी को लेकर भी ऐसा ही किया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये नहीं कह रहे कि ये हटाओ वो लगाओ। कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत है, उनमें से एक एफर्ट यह भी किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी होता है और अगर हमारी करेंसी पर देवी देवता होंगे तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जहां पर सिर्फ 2% ही हिंदू रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नोट के ऊपर गणेश की तस्वीर छापी हुई है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि भारतीय करेंसी के ऊपर भी लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छपवाई जाए। सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। परसों दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है, 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने,
हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। गुजरात में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, माना जा रहा है कि साथ ही में होंगे, ऐसे लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए आम आदमी पार्टी पे, इस लग रहा है। ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे, जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है, जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अतिशी ने सीधे सीधे भाजपा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भाजपा लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें छापने का विरोध क्यों कर रही है, क्या हमें लक्ष्मी माँ और गणेश जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अतिशी ने सीधे सीधे हाथ जोड़कर भाजपा से निवेदन किया कि भाजपा आप सरकार के इस उपदेश का विरोध ना करे। सुनिए अतिशी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बाइट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, वो बाइट देकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत के करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो। क्या इतने बड़े काम के लिए हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए? तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत हो रही है कि आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो हमारे नोटों पर छपे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद इस देश के हर व्यक्ति पर रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद हमारी व्यवस्था पर रहे? मुख्यमंत्री केजरीवाल की इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने फेवर भी किया है, जिस पर बेबी मफलर मैन नाम के एक शख्स ने लिखा, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा हो, ना कि नफरत और बैर हो। वहीं राहुल दुबे ने लिखा, न हिंदू न मुसलमान पहले हिंदुस्तान, न कांग्रेस न भाजपा केवल सच के साथ। वहीं गृजीश कुमार ने लिखा, भारत की करेंसी में लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो हो गांधी जी के साथ, हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, जब नोटबंदी हो सकती है तो लक्ष्मी और गणेश क्यों नहीं, शायद देवताओं की कृपा से रुपया मजबूत हो। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग,
12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।